दोस्तों आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। और हम निकल पड़े हैं आज सिवान से पटना के लिए, और वहाँ पे हम जाएंगे, एंजॉय करेंगे, क्योंकि हमें पता चला है कि सिवान से पटना जाने के लिए रास्ता जो है हमें बाइक का रास्ता तय करना पड़ रहा है। और वहाँ पे एक और चीज़ का पता चला है कि गांधी मैदान में बहुत ही बड़ा डिज्नीलैंड का मेला लगा हुआ है। तो हम लोग रवाना हो चुके हैं सिवान से पटना के लिए। अब देखिए गाइस कितना देर लगता है हमें, हम शाम को ही निकले थे और अभी थोड़ा और शाम हो चुका है और हम यहाँ से रवाना हो चुके हैं। देखते हैं वहाँ पे पहुँचने के बाद, सबसे पहले हमारा प्लान है कि हम P&M मॉल में पहुँचेंगे, लेकिन अभी हमारा गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म होने वाला था तो हमने सोचा क्यों ना पहले पेट्रोल ले लेते हैं। पेट्रोल लेने के बाद फिर हम रवाना होंगे, और वहाँ पे जाने के बाद आपको एक से बढ़कर एक चीज़ें दिखाया जाएगा। और हमारे इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भाइयों। और आपके भाई के चैनल पर ज्वाइन का ऑप्शन आ चुका है, आप वहाँ पे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा मेंबर बन सकते हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो जाइए फटाफट, एक बार ज्वाइन का बटन ज़रूर अप्लाई कीजिए, हमसे जुड़े रहिए, हमारी कोई भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी, इसके लिए आप ज्वाइन वाला बटन ज्वाइन कर सकते हैं। तो फाइनली हम लोग अब 100 किलोमीटर क्रॉस करने वाले हैं, और 100 किलोमीटर क्रॉस जैसे ही करेंगे, देखिए गाइस हमने अपना 100 किलोमीटर क्रॉस कर लिया और हम सिवान से पटना पहुँचे हैं, जो कि 150 किलोमीटर, यानी कि अभी हमें और भी 50 किलोमीटर आगे जाना है। और ये बाइक का सफ़र है, रास्ते में लेट तो हो ही चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, आप सबका सपोर्ट प्यार है। और अभी हम लोग पटना के थोड़े से आसपास में आ चुके हैं, अभी यहाँ से हमें और 30 किलोमीटर जाना है, और 30 किलोमीटर के लिए हमारी गाड़ी चल चुकी है, हम पहुँचेंगे और पहुँचने के बाद आपको वीडियो मिलेगा और वहाँ पे इंजॉय होगा। और इस पुल के बारे में तो आप सब जानते हैं, डीघा पुल, जहाँ पे हम लोग पहुँचे और यहाँ से। हेलो यूट्यूब फैमिली, आई थिंक आप सब बढ़िया होंगे और आप सबके प्यार और आशीर्वाद से हम सब भी बढ़िया हैं। और अभी हम सिवान से चलकर पटना गांधी सेतु जो पुल है वहाँ पर पहुँच चुके हैं, आप सब देख रहे हैं, मैं आप सबको दिखा दे रहा हूँ, देखिए। और यहाँ से अब हम लोग की जर्नी स्टार्ट होगी, जो कि हम पटना आगे पहुँचेंगे। और इसका जो ये लॉन्गेस्ट पुल में आता है, तो इसका जो ब्रिज है बहुत लंबा है, और ये कितना किलोमीटर है और इसमें टाइम जाने में हमें कितना टाइम लगेगा, मैं आप सबको पूरा दिखाऊंगा, वीडियो पे बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अभी हम लोग की गाड़ी स्टार्ट हो गई और अभी 8:14 हो रहा है, जो कि हमें यहाँ से क्रॉस करना है, और हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। बट असली टाइम देखिए 8:20 हो रहा है, जब से हमने इस पुल को क्रॉस करना शुरू किया, और हमारा स्पीड लगभग वही 50-60 है। और हमें ये पता करना है कि अगर हम 50-60 की स्पीड में जा रहे हैं तो हमारी गाड़ी कितने देर में डीघा पुल को क्रॉस कर जाएगी। वैसे ये तो पुल बहुत लंबा है, आप यहाँ पे कभी गए हैं कि नहीं कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और गए हैं तो आप क्या करने गए थे। बहुत से बच्चे एग्जाम देने गए थे तो जाते हैं, या बहुत लोग घूमने जाते हैं तो गए थे, तो आप किस लिए गए थे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मैं आप सबको ये नज़ारा दिखा रहा हूँ, और आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं हम, देखते हैं हमें कितना टाइम लगता है। और जैसे ही हम डीघा पुल को क्रॉस करेंगे, क्रॉस करने के बाद हम डायरेक्टली पहुँचेंगे P&M मॉल, और वहाँ पे जाएंगे, हमारा मेन टारगेट वही है कि हम सबसे पहले वहाँ पहुँचे, वहाँ पे घूमने के बाद फिर हम आगे कहीं जाना होगा तो जाएंगे, बट हमारा मेन टारगेट यही है कि हम डीघा पुल से पार करें और वहाँ P&M मॉल पहुँचे। देखते हैं कितना टाइम लगता है। हम लोगों ने इस पुल को क्रॉस कर दिया, और इस पुल को क्रॉस करने में हमें टोटली 5 मिनट लगे हैं। आपको कितना टाइम लगा था हमें कमेंट जरूर कर दीजिएगा। फाइनली हम पहुंच चुके हैं P&M मॉल, और ये उसकी पार्किंग है जहाँ पे हम 20 रुपये देकर अपनी बाइक को पार्क करना पड़ा, और ये हमारी बाइक है जिसे हम पार्क कर रहे हैं। पार्क करने के बाद हम अंदर की तरफ जाएंगे, गार्ड भैया हैं, इनसे हमने बोला हेलमेट रखने को, तो बोलते हैं नहीं रख सकते, तो हमें अपना हेलमेट उसी बाइक में ही रखना पड़ा। जब तक